हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू उज्ज्वल्स बायोलॉजी क्लासेस। कल हम लोग पढ़ रहे थे द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ऑर्गन दैट इज द ह्यूमन हार्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं सर, बिफोर प्रोसीडिंग इनटू द डबल सर्कुलेशन, कि डबल सर्कुलेशन कैसा हो रहा है हमारे हार्ट के अंदर, हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे कि और एक बार क्या क्या वाल्व्स थे ना। हम लोग जानते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर चार तो चेंबर्स हैं और देर आर ऑल्सो फोर डिफरेंट काइंड ऑफ वाल्व्स विच आर प्रेजेंट। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या वाल्व्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। तो जो वाल्व्स है सर, वो एक्चुअली देर आर फोर टाइप्स, जिसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक सपोज करिए दिस इज योर द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड दिस इज योर द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, क्लियर है। तो अपर चेंबर्स को हम लोग राइट ऑरिकल बोल रहे थे, ठीक वैसे ही लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे में आपका था द राइट वेंट्रिकल, द लोअर चेंबर्स वर द वेंट्रिकल। यहां पर भी हम लोग देख रहे थे कि नीचे में कौन सा आपका पार्ट होगा, ना द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है। और हम लोग पढ़ रहे थे यहां पर, जो हम लोग कल डायग्राम से देख रहे थे सर, कि जहां जब आपका राइट ऑरियम से या राइट ऑरिकल से जब आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, यहां पर एक आपका वाल्व प्रेजेंट होता है और इस वाल्व को ही हम लोग नाम क्या देते हैं, द ट्राइकस्पिड वाल्व, है या ना सर। ठीक वैसे ही जब आपका लेफ्ट साइड में ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल and then it moves to the left ventricle, here is also the blood is passing through a valve, jis valve ka naam hoga aapka the bicuspid valve, aur is bicuspid valve ko hi hum log aur dusra kya naam dete hain, we also say this the mitral valve, hai na, theek hai। ab hum log dekhte hain ki agar aapka ye right ventricle aur left ventricle, सर राइट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड वेसल बाहर जाता है, राइट वेंट्रिकल कौन सा ब्लड आता है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है कहां पे, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा फॉर प्यूरिफिकेशन, हाँ या ना, कहां पर, टू द लंग्स। तो कौन ब्लड वेसल लेके जाएगा, द पल्मोनरी आर्टरी। तो अगर हम लोग सेकेंड ब्लड वेसल की बात करेंगे तो दिस वॉज स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, मैं सिर्फ लोअर चेंबर्स की बात कर रहा हूं। तो दिस वॉज योर राइट ऑरिकल, सॉरी द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज योर द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से जो आपका ब्लड वेसल जा रहा है टुवर्ड्स द हार्ट, सॉरी टुवर्ड्स द लंग्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। और इस पल्मोनरी आर्टरी का जो माउथ होगा, द ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर एक सेट ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं द सेमी लूनर वाल्व्स। समझ में आया सर, ये कहां पर होगा, पल्मोनरी आर्टरी के बिल्कुल ओपनिंग में आपका एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ताकि ब्लड जब आपका द राइट वेंट्रिकल से होते हुए जब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाए, तो तब कोई भी बैक फ्लो को रोकने के लिए यहां पर सेमी लूनर वाल्व्स आर प्रेजेंट। इसका शेप क्या होगा, देखो नाम में ही आपका शेप पता चल रहा है, लूनर कम्स फ्रॉम द वर्ड मून, मून इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेमी अगर मैं बोलूंगा तो इट विल बी इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, आधा गोलाई में अगर पकड़ लू मैं, तो दैट विल बी सेमी लूनर वाल्व्स। सिमिलरली ऐसा वाल्व आपका प्रेजेंट होता है इन द, जब आपका द लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन आ पाएगा, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यहां से आयोटा लेके जा रहा है और इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द ब्लड थ्रू आउट ईच एंड एवरी बॉडी ऑर्गन्स। तो जस्ट इस आयोटिक माउथ में भी आपका सेम टाइप ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट रहता है, दैट इज योर सेमी लूनर वाल्व्स, क्लियर है। तो फोर टाइप्स ऑफ वाल्व्स है, एक हो जाएगा आपका बिटवीन द ऑरिकल्स एंड द वेंट्रिकल्स, राइट साइड में जिसको हम लोग बोलेंगे ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में जिसको हम लोग नाम देंगे द बाइकस्पिड वाल्व। कोई दिक्कत, क्लियर, बाई और ट्राई क्यों, बाई मतलब दो, तो दो कप्स लाइक प्रेजेंट होगा,
यहां पर क्या होगा, ट्राइकस्पिड मतलब थ्री कप लाइक शेप ऑफ वाल्व्स विल बी प्रेजेंट। ये तो आपका हो गया दो, और दो कहां पर होगा ना, वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स निकल के आ रहा है ब्लड, जस्ट उस ब्लड वेसल्स के माउथ में आपके सेमी लूनर वाल्व्स प्रेजेंट रहेगा। मतलब एक सेट ऑफ सेमी लूनर वाल्व्स रहेगा पल्मोनरी आर्टरी के माउथ के अंदर, और एक सेट ऑफ आपके सेमी लूनर वाल्व्स रहेगा इन द आयोटिक ओपनिंग, ठीक है, जहां पे आयोटा ओपन हो रहा है, ठीक उस ओपनिंग माउथ के अंदर सेमी लूनर वाल्व्स प्रेजेंट रहेगा। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ वाल्व्स, क्लियर। जस्ट इसके बाद हम लोग तुरंत देखेंगे कि सर कैसे करके आपका ये जो कार्डियक साइकिल होता है, क्या क्या इवेंट्स होता है जिसके हिसाब से आपका ये हार्ट काम कर रहा है या फ्लो ऑफ ब्लड इसके अंदर से बहुत अच्छी तरह हो पा रहा है। स्टेजेस ऑफ द हार्ट बीट हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। क्या सर? द स्टेजेस ऑफ द हार्ट बीट, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इसके अंदर चले जाए, दो शब्द हमारे पास बार बार आएगा। एक तो हो जाएगा सिस्टोल, दूसरा हो जाएगा डायस्टोल। एक हो जाएगा सिस्टोल, सिस्टोल समझेंगे क्या है, और एक हो जाएगा अपने पास डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब क्या होगा, इट मींस रिलैक्सेशन, क्लियर। अब अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं, जैसे मान लीजिए ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ऑरिक्यूलर सिस्टोल या वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, इसका मतलब क्या है, ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑरिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड और जो ऑरिकल के अंदर होगा वो किसके अंदर जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर, है ना, यही तो आपका पोर्शन है। सर अगर हम लोग ये वाला हार्ट पकड़ेंगे दोबारा से, सपोज करिए मैं इसको चार चेंबर्स में डिवाइड करूं, ये अपना द राइट ऑरिकल, द लेफ्ट ऑरिकल, द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, यही था मोटा मोटी। यहां पर अपना द कौन सा वाल्व था, यहां पर द ट्राइकास्पिड वाल्व, यहां पर कौन सा था, द बाइकास्पिड वाल्व, ठीक। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, यहां पर इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, ये दोनों आपका यहां पर क्या लेके आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। तो ये कब होगा, जब कहीं चीज कोई चीज रिसीव कैसे करता है, सर आप खुद सोचो, मैं रेस्पिरेशन के अंदर आप लोगों को बताया था कि हमारे लंग्स वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाते हैं जब हम लोग सांस को खींचते हैं, प्रेशर बाहर ज्यादा है इसलिए बाहर से आपका हवा, प्रेशर कम होने के कारण वो बाहर ज्यादा है प्रेशर, तो इसलिए वो खींचा अंदर चला आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी सबसे पहला जो इवेंट होगा दैट विल बी द ऑरिक्यूलर, क्या चीज, डायस्टोल, ऑरिक्यूलर डायस्टोल होगा सबसे पहला इवेंट। ऑरिक्यूलर डायस्टोल मतलब, डायस्टोल मतलब क्या बोला था, रिलैक्सेशन। तो ऑरिकल्स जब रिलैक्स करेगा मतलब प्रेशर उसके अंदर नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रेशर कहां पर होगा, जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर, तो वहां पर आपके सबसे पहले इस कंडीशन के अंदर इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा विल बी पोरिंग इन ब्लड, वो ब्लड को पूरा लेके यहां पर आपका डाल देगा इसके अंदर इनटू द राइट ऑरिकल। सिमिलरली यहां पर भी सर लंग से प्यूरिफाइड ब्लड कौन लेके आ रहा था, पल्मोनरी वेन लेके आ रहा था सर, तो वो पल्मोनरी वेन फ्रॉम द लंग्स विल बी ब्रिंगिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट विल बी पोरिंग इट इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो दोनों ऑरिकल्स ही अब ब्लड से भर जाते हैं, कब, ड्यूरिंग ऑरिक्यूलर डायस्टोल, कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे तो ब्लड रहेगा नहीं, ब्लड को ये भेजेगा किसके अंदर, टू द लोअर चेंबर्स। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब क्या है, ऑरिक्यूलर हम लोग लिख सकते हैं यहां पे सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या था, कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड स्टेज क्या होगा, ऑरिक्यूलर सिस्टोल। अब देखिए जब हम लोग हार्ट बीट को पकड़ते हैं तो एक ऑल्टरनेट आवाज आता है, लब डब है कि नहीं, मतलब क्या है, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और दोनों एक साथ रिलैक्स नहीं कर रहा था। अगर मैं इस हाथ को मानू क्या अपर चेंबर्स और इसको अगर मैं मानू लोअर चेंबर्स,
तो ये ऑल्टरनेटली आपका बंद हो रहा है खुल रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब ऑरिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो रिलैक्स मोड में कौन आएगा? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑरिकल्स खुल रहा है सर, यही तो आपका रिदमिक इंटरचेंज हो रहा है दोनों में से, क्लियर है? तो वही सेम चीज जिस मोड को हम लोग यहां पर ऑरिक्युलर सिस्टोल नाम से जानेंगे, सिमिलरली इसी को ही इस स्टेप पर मैं बोल सकता हूं वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं सर? तो ऑरिक्युलर सिस्टोल मतलब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जितने भी ब्लड इसके अंदर है अब वो भेजेगा किसके पास? वेंट्रिकल्स के पास। तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है? रिलैक्स हो रहा है इस ब्लड को लेने के लिए अच्छी तरह। तो ये दोनों इवेंट एक साथ हो रहा है आपका। नेक्स्ट, अब ब्लड किसके अंदर आ गया? वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया सर। जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा ब्लड, सबसे पहला इवेंट क्या होगा? ये जो वाल्व खुले हुए थे ये वाल्व हो जाएंगे बंद, ये दोनों वाल्व भी आपका बंद हो गया है ना, ठीक है? तो यहां पर अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड इसके आस ऊपर तो नहीं जा सकता क्योंकि ये वाल्व बंद हो गया, तो ऑटोमेटिकली यहां से जो ब्लड वेसल लेके जाएगा वहां से ये ब्लड एंट्री करेगा। सिमिलरली ये दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज योर द एओर्टा, तो यहां से फिर ये अंदर मूव करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका द वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, ठीक। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने के वजह से दोनों ही आपका माइट्रल मतलब बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व बंद है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका वेंट्रिकल्स का कंप्रेशन के वजह से प्रेशर ज्यादा होगा वेंट्रिकल्स के अंदर उस ब्लड के अंदर, और वो ब्लड आपका बहुत तेजी से अब मूव करेगा किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल से मूव करेगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करेगा टुवर्ड्स द एओर्टा। समझ में आया सर बहुत अच्छी तरह? यही आपका वर्किंग या आपका जो रिदमिक हम लोग बोल रहे हैं कि सिस्टोल डायस्टोल कैसे करके आपका होता है, इसी से ही हमें पता अच्छी तरह चलता है। ये बहुत ही अच्छी तरह हमें समझना पड़ेगा ये कंसेप्ट। आगे जाके क्लास 11 जो आप लोग बायो लेने वाले हो 11 के अंदर, यही चीज हम लोग टाइमिंग के साथ देखेंगे कि कौन सा इवेंट कितना देर तक होता है, उस पूरे साइकिल का हम लोग नाम देंगे द कार्डियक साइकिल। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एनी एनसीईआरटी, बट जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए मैंने ये सारा चीज आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कहां पे कैसा होगा। डबल सर्क्यूलेशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि डबल सर्कुलेशन किनके किनके अंदर होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे सर डाइवर्सिटी के अंदर कि फिशेस को छोड़ के अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं, अगर मैं रेप्टिलिया की बात करूं, अगर मैं एवीज की बात करूं मतलब द बर्ड्स की अगर बात करूं और मैमल्स की बात करूं, सबके अंदर होता है डबल सर्कुलेशन। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा क्योंकि हमें पता है जो एम्फीबियंस होंगे और जो रेप्टिलियंस होंगे उनके अंदर फोर चेंबर हार्ट नहीं होता है, जहां पर फोर चेंबर हार्ट नहीं होने के कारण मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज पॉसिबल। मिक्सिंग मतलब ये जो ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड हो रहा है उसके साथ जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है उन दोनों का मिक्सिंग हो रहा है, समझ में आया? तो वो चीज मतलब क्या है, डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट होगा, द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन विल बी इनकम्प्लीट जिनके अंदर इन एम्फीबियंस और रेप्टिलिया। तो एक एम्फीबियंस और रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स के अंदर डबल सर्कुलेशन तो होगा बट दैट विल बी इनकम्प्लीट। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइदर थ्री चेंबर्ड हार्ट, याद करिए रेप्टाइल्स के अंदर जो क्रोकोडाइल्स थे उसके अंदर फोर चेंबर हार्ट था बट दैट वाज अ इनकम्प्लीट फोर चेंबर हार्ट, और उसके लिए भी इनके अंदर आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन चलता है। टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन, ये किनके अंदर होंगे? एक तो आपका एवीज मतलब बर्ड्स फैमिली, और अगर मैं मैमल्स ले लेता हूं बिकॉज इन दोनों के अंदर देयर इज अ कंप्लीट फोर चेंबर्ड हार्ट, देयरफॉर दिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक प्रॉपर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चलेगा, जहां पर
कभी भी आपका द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल नॉट बी गेटिंग मिक्स्ड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. मिक्सिंग कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. क्लियर है? और इसके वजह से इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? वी टर्न देम एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स. फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने में सबसे एक्टिव है ये, और उस एक्टिव रखने के लिए सबसे मेन दरकार किसका होगा सर? हर सेल्स अच्छी तरह काम करेगा कब? जब उसको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा. एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम लोग पढ़ के आए हैं पहले. तो उस ऑक्सीजन को वहां पे ले जाने के लिए एक बहुत ही अच्छी तरह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. तो इनके अंदर सबसे अच्छी तरह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो आपका वेंट्रिकल, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, इस लेफ्ट साइड के अंदर पूरा का पूरा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, और अगर राइट साइड की बात करूं टोटली आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सेप्टम ये दोनों ब्लड कभी भी मिक्स नहीं हो पा रहा है. ठीक. तो इसलिए आयोटा जो ब्लड लेके आ रहा है पूरे बॉडी में फैला रहा है वो पूरा का पूरा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. गलत बोला या सही? देखो आप लोग तो सुनते आ रहे हो सर, पॉज करो, थोड़ा सा रिमाइंड करो और सोचो मैं क्या बोला था. मैंने बोला कि आयोटा, मैंने गलत बोला था. एक्चुअल सही में क्या है कि आयोटा जो ब्लड लेके आएगा और पूरे बॉडी में फैलाएगा दैट विल बी नॉट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्लियर है? तो एफिशियंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर नजर आएगा. कोई दिक्कत है सर? क्लियर है? अब क्योंकि यहां पे हम लोग डबल सर्कुलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है ना, जो अपना हार्ट है इस हार्ट के अंदर से जो ह्यूमन ब्लड है वो दो बार पास करेगा, यानी कि देर आर टू साइकल्स विच आर ऑकरिंग. तो इसी डबल सर्कुलेशन को हम लोग अलग अलग दो सर्कुलेशन इवेंट्स में पढ़ेंगे. एक इवेंट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और एक हो जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे द पल्मोनरी सर्कुलेशन. समझ में आया? ये जो डबल सर्कुलेशन है सर, इसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. एक हो जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन. हम लोग दो अलग अलग साइकल्स पढ़ेंगे. क्लियर है? यहां पर क्या पढ़ेंगे सर, एक फ्लो चार्ट के हिसाब से हम लोग देखते हैं ना. यहां पर हार्ट होगा, ठीक, और यहां पर आपके बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी सेल्स, ये होंगे सर. क्लियर है? ठीक है. इन दोनों के बीच ब्लड का जाना और ब्लड का आना, मतलब क्या है, द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जब हार्ट से लेके ऑक्सीजन जा रहा है बॉडी सेल्स के अंदर, और सम ब्लड वेसल्स जो बॉडी सेल्स से क्या लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाएगा किसके अंदर, हार्ट के अंदर. ये जो एक साइकिल है इस साइकिल को हम लोग नाम देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ठीक. तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन किन के बीच चलेंगे, बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी सेल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स. यहां पर हम लोग जब पल्मोनरी की बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज डबल सर्कुलेशन है सर. तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, सर्कुलेशन हार्ट के अंदर से जाएगा, तो ऑब्वियसली हार्ट तो दोनों बार ही आना है, बट ये जो टारगेट ऑर्गन ये चेंज हो जाएगा. पल्मोनरी शब्द का मतलब क्या है, मैंने बोला था पल्मोनरी जिसके साथ भी है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू द लंग्स. तो हार्ट से लंग्स के अंदर ब्लड जाएगा. क्यों जाएगा भाई, क्यों लंग्स को भेजना है ब्लड? प्यूरिफिकेशन के लिए. ठीक है. तो हार्ट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा एल्वियोलाई में, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस इसके अंदर आएगा, हार्ट के अंदर आएगा. आया ना, समझ में आया? मतलब क्या है, यही चीज अगर मैं बात करूं, यहां पर अपना हार्ट को रख दिया, चार चेंबर्स, ऊपर रख दिया मैंने लंग्स को, और नीचे रख दिया मैंने अपने बॉडी ऑर्गन्स, सेल्स, इन सब. क्लियर है? मैं कहां से शुरू करूंगा ना, जैसे यहां से हार्ट, तो हार्ट से शुरू करूंगा जो बॉडी सेल्स के पास जाता है. तो हमें पता है ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है
ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या रिलीज हो गया था? आयोटा, और आयोटा ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां पर पास करवाता है सर? टू द ऑल द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो हो जाएगा, ये ब्लड वेसल का नाम क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा, जो फर्दर आर्टरी, आर्टेरियोल्स एंड फाइनली एंटर्स द सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट कैपिलरीज। ठीक, ऑक्सीजन आ गया सेल्स के पास, सेल्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन करेगा, बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड अब वो कैपिलरी से होते हुए वेनियोल्स, वेनियोल्स से वेन्स, और वेन से होते हुए जो आपका द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी दैट इज द वेना कावा, बात किए थे। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कहां पर एंट्री होता है? यहां पर। तो हम लोग डायगोनली पढ़ेंगे सर, लेफ्ट वेंट्रिकल से आके सेल्स के पास गया, सेल्स के पास से यही चीज जाके दो आकार में, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इंफीरियर वेना कावा होते हुए वो किसके अंदर एंट्री किया? इनसाइड द राइट ऑरिकल। क्लियर है? तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं द वेना कावा। दो अलग अलग क्यों? ऊपर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो आता है दैट इज द सुपीरियर वेना कावा, नीचे से जो आता है दैट इज द इंफीरियर वेना कावा। दोनों आगे एंट्री हो गया आपका किसके अंदर? मतलब हार्ट से गया था सेल्स के पास, सेल से वापस हार्ट के अंदर एंट्री हो गया। कोई दिक्कत सर? ठीक, तो यही हो गया आपका कौन सा? सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड आपका एग्जिट कहां से हुआ? फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, होते हुए पूरा एंट्री कहां पर हुआ? इनटू द राइट ऑरिकल। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं हार्ट एंड द लंग्स, सर हार्ट से लंग्स के पास लेके जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन सा? द राइट वेंट्रिकल है ना सर? तो राइट वेंट्रिकल से क्या जाता है इसके पास? द पल्मोनरी आर्टरी जाता है या ना? ये जो आपका डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है लंग्स के पास फॉर प्यूरिफिकेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है यहां पर। आफ्टर प्यूरिफिकेशन अब इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब डालेगा किसके अंदर? इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन लेके आएगा सर। तो लंग से जो ब्लड वेसल हार्ट की तरफ लेके आ रहा है, इस ब्लड वेसल का नाम क्या हो गया मेरा? बताओ अब, और क्या बताओगे? बोर्ड में ही तो लिखा है पल्मोनरी वेन। आया समझ में अच्छी तरह सर? तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जिसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट। ठीक, ऐसे करके फटाफट रिवाइज करो। कहां से होगा शुरू? न मेरा ये शुरू होगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा लेके जाएगा सेल्स के पास, सेल छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन? वेन्स, और द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा होके ये एंट्री करेगा इनटू द राइट ऑरिकल। दिस इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। कमिंग बैक टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, फ्रॉम द हार्ट दैट इज द राइट वेंट्रिकल, deoxygenated blood will be moving on to the lungs for purification through the pulmonary artery. Pulmonary artery आपका lungs में लेके गया, lungs में purification हुआ, exchange of gases आपका take place, उसके बाद जो oxygenated blood होगा वो oxygenated blood from the lungs to the heart लेके आएगा कौन? Pulmonary vein, and this will be entering into the left auricle. कोई दिक्कत है सर? This is all about the double circulation of क्लियर है? और ये डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या होगा ना? हम लोग सर जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है इससे पहले देखे थे, सबके अंदर आपका ऐसे ही डबल सर्कुलेशन हो रहा है। तो डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस एक ही आपका पॉइंट याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह, कि हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही एफिशियंटली ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड इन टू द एंटायर बॉडी। और ये ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैसा हो रहा है? वेरी एफिशियंटली दिस ऑक्सीजन इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, और
फोर चेंबर होने के कारण वही सेम चीज, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा, और मिक्सिंग ना होने के कारण ही आपका बहुत ही अच्छी तरह एफिशिएंटली ये इंटायर बॉडी में पास हो रहा है। सर एक चीज मुझे बता रहा है, यही डायग्राम आपके बुक में भी ड्रॉ किया हुआ है, हार्ट के डायग्राम भी बहुत अच्छी तरह आपके बुक में ड्रॉ किया हुआ है। सर आप देखोगे जो राइट साइड है, द राइट ऑरिकल्स, द राइट वेंट्रिकल, जो भी ब्लड वेसल्स आ रहा है उसको हम लोग ब्लू में डिनोट करते हैं। देखोगे आप अच्छी तरह, आज देखना अभी खोल के, अभी पॉज करो वीडियो को और खोल के देखो आपके बुक्स, आप देखोगे कि जो राइट ऑरिकल और द राइट वेंट्रिकल है, ये जो वेना कावा है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पूरा का पूरा आपका किस कलर से डिनोट करते हैं हम लोग, ब्लू कलरेशन से डिनोट करते हैं। वेर एज अगर मैं लेफ्ट पार्ट की बात करूं, द लेफ्ट ऑरिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल, द आयोटा, द पल्मोनरी वेन, इनको हम लोग रेड से डिनोट करते हैं। सर ब्लू इज डिनोटिंग फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम लोग ब्लू से डिनोट करते हैं, और रेड से हम लोग डिनोट करते हैं द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली जो डबल सर्कुलेशन का दिया हुआ है, यहां पर भी आपको ऐसे ही ब्लू और रेड का डिमार्केशन पता चलेगा। कोई दिक्कत है सर? चलिए लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं, जिसका हम लोग नाम देंगे द ब्लड प्रेशर। सबसे पहले देख लेते हैं ये ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है ना। प्रेशर का मतलब हमें समझ में आता है सर, ठीक है ना। तो यहां पर प्रेशर कहां पर होगा, ब्लड किसके अंदर से फ्लो करता है, ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स। तो ब्लड जब ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, सपोज करिए दिस इज योर ब्लड वेसल और यहां से आपका ये ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये जो ब्लड अपने वॉल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, द प्रेशर और द फोर्स विच इज एग्जर्टेड बाय द ब्लड व्हेन इट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल, और ये प्रेशर कहां पे एग्जर्ट करेगा, ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, दैट इज नोन एज द ब्लड प्रेशर। कोई दिक्कत सर? अब ये जो ब्लड प्रेशर है, हम लोग इस प्रेशर को यहां पर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इसको पढ़ेंगे। एक का नाम हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरे का नाम हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। ये दोनों क्या है यही हमें अच्छी तरह देखना है तो मेरा ब्लड प्रेशर समझ में आ जाएगा। सिस्टोल और डायस्टोल आपको पता है सर, यहां पर जो भी सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक। यहां पे हमें पढ़ना है विद रेस्पेक्ट टू द वेंट्रिकल्स, क्लियर, कि वेंट्रिकल्स जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब सिस्टोल होगा कितना, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, क्लियर है। तो अगर मुझे पढ़ना है तो प्रेशर एग्जर्टेड by the blood into the walls of the artery, कब सर? During, ये बहुत important है, maximum ventricular systole पढ़ रहे हैं तो obviously क्या होगा, contraction is called systolic pressure। क्या बोला मैंने, प्रेशर पड़ रहे, ब्लड एग्जर्ट कर रहे हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर आपके, कब होगा ना, मैक्सिमम वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल जब होगा, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जब होगा वेंट्रिकल्स के अंदर, तब उस ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड होगा, वो कितना प्रेशर से वॉल्स को फोर्स देगा, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, क्लियर है। और नॉर्मल आदमी के अंदर इसी सिस्टोलिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है, दैट कम्स टू बी अराउंड 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सर ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्यों बोलते हैं, अभी हम लोग समझेंगे, क्लियर है। उससे पहले हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर देख लेते हैं।
पूरा का पूरा सेम लैंग्वेज होगा सर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड इनटू द वॉल्स ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग मैक्सिमम वेंट्रिक्यूलर कब डायस्टोल है तो रिलैक्सेशन, जब वेंट्रिकल्स के मसल्स मैक्सिमम रिलैक्स हो जाएंगे तो प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाएगा सर, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि ऑब्वियसली इसका वैल्यू जो होगा वो इससे कम होगा। क्यों कम हो रहा है? यहां पर मैक्सिमम जब वेंट्रिकल्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब ब्लड जो फ्लो कर रहे हैं आर्टरी के अंदर वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? जब बिल्कुल मैक्सिमम रिलैक्स हो जा रहा है वेंट्रिकल्स के मसल्स तो ब्लड कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द ब्लड वेसल्स के वॉल्स में, ठीक है? तो ये हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका आपका नॉर्मल इंसान के अंदर वैल्यू होता है अराउंड 80 mm ऑफ मर्करी। क्लियर है? ठीक है सर। हाई प्रेशर कब बोलेंगे? जब इसका वैल्यू हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग बीपी भी बोल सकते हैं, यही वैल्यू कितना हो जाएगा? लगभग 150 के आसपास पहुंच जाएगा, 150 या 150 से ज्यादा। उसको हम लोग नाम देंगे, उस कंडीशन का नाम क्या देंगे? हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। इसको हाइपर टेंशन का नाम भी दिया जाता है, हाइपर टेंशन। ठीक, वैसे यहां पर लो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है सर, तो लो ब्लड प्रेशर जब होगा तब यही चीज, तो एक तो हाई बीपी, एक हो जाएगा लो बीपी। जब ये लगभग 110 से 100 mm ऑफ मर्करी के अंदर आ जाएगा तो लो बीपी के अंदर सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाएगा? 110 से 100 mm ऑफ मर्करी। याद रखना ये यूनिट है, अगर ये नहीं लिखोगे तो बिल्कुल जीरो मिलेगा सर। क्लियर है? दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। हाई बीपी के अंदर कितना होगा सिस्टोलिक प्रेशर? 150 mm ऑफ मर्करी। सिमिलरली हाई बीपी के अंदर अगर मैं बात करूं डायस्टोलिक प्रेशर का तो वो इससे ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा सर? अराउंड 90-100 mm ऑफ मर्करी वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है। और लो बीपी के अंदर यही हो जाएगा अराउंड 70-60 mm ऑफ मर्करी। क्लियर है सर? बीपी को जनरली हम लोग, ब्लड प्रेशर को हम लोग एज अ फ्रैक्शन डिनोट करते हैं। ऊपर लिखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे लिखते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और यूनिट में हम लोग देते हैं mm ऑफ मर्करी। क्लियर है? तो नॉर्मल इंसान का बीपी कितना होगा? 120/80 mm ऑफ मर्करी। जिसका हाई बीपी है उसका कितना होगा? 150/100 या 110। और जिसका लो प्रेशर है उसका बीपी कितना होगा? लगभग 100 या 110 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा? 70 से 60 हो जाएगा सर। तो इसी फ्रैक्शन के हिसाब से हम लोग ब्लड प्रेशर को डिनोट करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, और अगर आपका लो होगा तो लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। कोई दिक्कत सर? लास्ट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ब्लड प्रेशर को नापते हैं सर, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम बहुत ही अच्छा नाम दिया गया था, लेकिन अच्छा होने के बावजूद इसका जो काफी सारे स्पेलिंग मिस्टेक कर बैठते हैं, तो इसको बहुत धीरे से हम लोग लेके चलेंगे। जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट का नाम दे रहे हैं, विच इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इस डिवाइस का नाम है SPHYG, स्पिग प्लस मो प्लस मैनो प्लस मीटर। बोलोगे सर ये बीच में प्लस प्लस क्या लिख रहे हैं? सर ये प्लस लिख रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आए। आपको तोड़ तोड़ के सर इसका स्पेलिंग याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप स्पेलिंग सही ढंग से लिख पाओगे सर। ठीक, अगर एक साथ प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो कैसा होगा? स्फिग मो मैनो मीटर। एक साथ बोलो मेरे साथ, स्फिग मो मैनो मीटर। समझ में आया सर? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये स्फिग्मोमीटर से क्या होता है? देखो मैंने गलती बोल दिया,
स्टिग्मोमैनोमीटर, तो उससे क्या होता है सर, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? आप याद करो, अगर डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आजकल तो जैसे डिजिटल मीटर्स हो गए हैं, पहले आपका एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ रहता था जहां पर बीचों बीच यहां पर आपका एक स्केल होता था और देखते थे यहां पे आपका जो मरकरी रखा होता था, जैसे वो मरकरी उठेगा और नीचे गिरेगा। क्लियर है? यहां पे आपका दोनों तरफ ही स्केल्स मेंशन होता है, ठीक। यहां पर एक छोटा सा मैनोमीटर रखा होता है और इसके साथ आपका एक ट्यूब लाइक पंप रहता है जिससे आपका इन्फ्लेट होकर हाथ के यहां पर बांधा जाता है कफ, ठीक। तो वो कफ क्या करते हैं, फूल जाता है पूरे प्रेशर से। कितना प्रेशर डालते हैं ना, जैसे ही करते हैं हम लोग इसको, यहां पर जो मरकरी है वो धीरे 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 ऊपर बैठेगा, ठीक। हमें रीडिंग लेना है सिस्टोलिक प्रेशर, पहले सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू कितना है 120, बट यहां पर अगर मैं 120 से कम दूंगा तो नॉर्मली सिस्टोलिक प्रेशर आपका पता नहीं चलेगा, तो हमें कम से कम नहीं तो इसको 180-200 mm मरकरी तक पहुंचाना है और उसके बाद धीरे धीरे इस नॉब को हम लोग पकड़ते हुए प्रेशर को रिलीज करेंगे। तो प्रेशर रिलीज होते 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 एक टाइम में सबसे पहला जो आपका बीटिंग नजर आएगा, बीट सुनाई देगा, यहां पे स्टेथोस्कोप लगाया रहता है, ये जो हमारा है दिस इज द ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक। तो पूरा का पूरा प्रेशर देके यहां पर ब्लड फ्लो बंद करवा दिया जाता है। ब्लड अगर फ्लो बंद हो जाएगा तो यहां पर अभी कोई भी आपका बीट सुनाई नहीं देगा। अब धीरे धीरे जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा सर, तुरंत उस टाइम में द फर्स्ट, जहां पर आपका ब्लड जैसे ही थोड़ा सा रिलीज होगा, ब्लड जल्द से एक प्रेशर से मूव करना चालू करेगा और तुरंत वहां पर आपका पहला हार्ट बीट सुनाई देगा, ठीक। तो वो जो आपका लेवल है उस लेवल को हम लोग नाम देते हैं अराउंड 120 mm ऑफ मरकरी कॉलम। तो एक्चुअली क्या है mm, मतलब किसका यूनिट है, हाइट। तो मैं यहां पर किसका क्या लिख रहा हूं सर, द हाइट ऑफ द मरकरी कितना बढ़ रहा है, तो वो हो जाता है मेरा 120 mm। क्लियर? सिमिलरली अब धीरे 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 प्रेशर रिलीज होता है तो जो ब्लड पहले बहुत ही रुक रुक के और तेजी से जा रहा था, अब वो धीरे 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 प्रेशर जैसे ही नॉर्मल होता जा रहा है, ब्लड फ्लो भी स्मूथ होता जाएगा, तो ये जो आवाज है वो धीरे 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 फेड होता रहेगा, कम होता रहेगा आवाज। और आवाज कम होते हुए जब बिल्कुल लास्ट आवाज सुनाई देगा, वो अराउंड आपका हो जाएगा द 80 mm ऑफ मन। क्लियर है? समझ में आया? तो ये जो होगा, दिस इज योर द सिस्टोलिक एंड दिस इज योर डायस्टोलिक। यहां पर बहुत तेजी से आवाज सुनाई देगा, सबसे पहला सुनाई दिया तो ये धीरे धीरे प्रेशर रिलीज होते हुए जो लास्ट फेडेड साउंड थोड़ा सा आपका महसूस होता है, जिसके बाद और आपका आवाज अच्छी तरह से उसको पकड़ नहीं पाएगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग नाम देंगे डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर? समझ में आया क्यों mm मरकरी लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअली दिस इज द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। 120 मतलब यहां से 120, 80 मतलब यहां से 80। ये दोनों आप लोगों को याद रखना है, स्फिग्मोमैनोमीटर ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है। तो यहां पर हमारा ह्यूमन हार्ट, उसके वर्किंग, उसके फंक्शंस, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, डबल सर्कुलेशन क्या क्या होता है, ये सारा चीज हमारा कंप्लीट हो चुका है सर। अब हमारे पास द नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, दैट इज अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है? जो मैं डील करूंगा, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वहां पर जाके लिंक में से आप जाके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज और प्लीज आप इसको शेयर कीजिए आपके दोस्तों में, क्योंकि सारे लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, ठीक। तो किसी ना किसी को आपका हेल्प कर लो, तो क्लास 10 के जो आपके दूसरे दोस्त हैं उनको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं लिंक देकर, ठीक है। टिल देन।